मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 5.1। इट्स फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको नीचे दिए गए एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स जिनकी मेजर्स का सम क्या आ जाता है 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स की मेजर्स को हम ऐड करते हैं और सम हमें कितना मिलता है 90 डिग्री, दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो फर्स्ट आपको गिवन है एंगल 20 डिग्री एंगल का आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कैसे निकालेंगे 20 डिग्री में क्या ऐड करेंगे, हमारे पास सम 90 आ जाए। तो वेरी ऑब्वियस इट इज 70 डिग्री। बट फाइंड आउट कैसे करेंगे, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 माइनस 20 डिग्री। आपको करना क्या है, 90 डिग्री में से जो एंगल गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 माइनस 20 डिग्री इज 70 डिग्री। दैट इज 70 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द एंगल 20 डिग्री। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इन सेकंड पार्ट इट इज सेइंग यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 डिग्री। आपको 63 डिग्री एंगल का क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन 63 में क्या ऐड करेगी, हमारे पास सम कितना हो जाए 90 डिग्री। सो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज क्या हो जाएगा, सेम 90 माइनस 90 डिग्री माइनस गिवन मेजर क्या है, गिवन एंगल क्या है 63, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 47 डिग्री। दिस इज योर आंसर। नाउ थर्ड पार्ट भी सेम इन स्टेप्स पर होगा, 57 डिग्री का क्या हो जाएगा, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस 57 डिग्री, एंड दिस बिकम्स 8 माइनस 5 30 डिग्री। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 57 डिग्री। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है। एंगल्स आपको कैसे गिवन है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसके लिए आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स का पता होना चाहिए। आपको सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है नीचे दिए गए एंगल्स का। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनमें सम क्या हो जाए हमारे पास 180 डिग्री। सो फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास 105 डिग्री। 105 डिग्री का आपको सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है। सो क्या हो जाएगा, इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इज इट्स सप्लीमेंट्री क्या करेंगे, 180 में से लेस कर देंगे 105 को, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल के साथ हमें क्या चाहिए 180 डिग्री ना। सो 180 माइनस 105 क्या हो जाएगा, दिस 5 डिग्री, एंड 70 माइनस 10 इज 7, दैट इज 75 डिग्री। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है 87 डिग्री। 87 डिग्री है, तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, सेम इन स्टेप्स पर। सो इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री, 10 माइनस 7 3, एंड दिस बिकम 70 माइनस 9, इट इज 90 93। ओके, थर्ड पार्ट है वो आप खुद से करेंगे इन स्टेप्स पर, सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, वेर इज दी, आपको कुछ एंगल्स की मेजरमेंट दे रखी है पेयरिंग में, और आपको पता करना है कि ये एंगल्स सप्लीमेंट्री है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम फाइंड आउट करके दोनों एंगल्स का सम फाइंड आउट कर देंगे। अगर 90 डिग्री आता है तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर 180 डिग्री सम आता है तो सप्लीमेंट्री। तो क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट है, कुछ ही पार्ट्स करवाएंगे, बाकी आप पीछे ट्राई करेंगे, 65 डिग्री एंड 115 डिग्री।
63 डिग्री एंड 27 डिग्री. इसमें भी क्या करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे. 63 प्लस 27 दिस बिकम्स 90 डिग्री. तो कौन से एंगल हो जाएंगे, कौन सा पेयर हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का. सो दिस इज पेयर ऑफ इट इज सो इट इज पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. It is pair of complementary angles. ठीक है. So ऐसे ही आपको other parts कर लेने हैं. Very easy. Now come to question number 4. बाकी parts आप खुद से करेंगे. In question number 4, what is he saying? Very important question number 4 and 5. ध्यान से समझना. Find the angle which is equal to its complement. आपको फाइंड आउट करना है उस एंगल को जो कि अपने किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के इक्वल होता है. अब इसमें हमें कोई भी एंगल गिवन नहीं है, बट ये है कि जो एंगल होगा उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसी के इक्वल होगा. ये कंडीशन आपको गिवन है. तो लेट कर लेते हैं. लेट द एंगल इज, जो एंगल हमें फाइंड आउट करना उस एंगल को लेट कर लेते हैं एक्स. ठीक है, हमें तो पता ही नहीं है. मेजर तो लेट कर लेते हैं एक्स डिग्री. अब ये एंगल ऑफ एक्स डिग्री है. ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो भी क्या गिवन है, इसी के इक्वल है. एंड गिवन दैट इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, इसी के इक्वल होगा. दैट इज ये भी एक्स डिग्री ही होगा. गिवन एंगल क्या हमारे पास है एक्स, और गिवन दैट क्या है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो सी के इक्वल है. तो हमने कॉम्प्लीमेंट को भी क्या हो जाएगा, लेट कर दिया, एक्स डिग्री हो जाएगा. अब ये दोनों कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए ना. तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज दीज आर कैसे एंगल है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री. x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री. बट हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में कहाँ पर आ जाएगा, इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा. तो मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है वो अपनी साइड चेंज करके कहाँ जाएगी, राइट साइड में जाएगी, तो हाँ वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. जो मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में जाएगी, जो डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में. सो 2 से कैंसिल आउट करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, 45. तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री. यानी जो हमारा एंगल जो होगा वो कौन सा होगा, 45 डिग्री. यानी 45 डिग्री एंगल ऐसा है जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के इक्वल है. इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 90 माइनस 45 किया जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर के जैसा ही है, बट इसमें कंडीशन अलग है. कंडीशन क्या दे रखी है, अब की बात सप्लीमेंट्री एंगल की. फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री, जो कि अपने सप्लीमेंट्री एंगल्स के इक्वल होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो लेट कर लेते हैं इसमें भी. क्वेश्चन नंबर 5, लेट द एंगल इज एक्स. नाउ गिवन क्या है, इट्स सप्लीमेंट इज इक्वल टू सेल्फ. सो गिवन दैट इट्स सप्लीमेंट इज, इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, इसी के इक्वल हो जाएगा, दैट इज एक्स. अब बिकॉज दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सो देयर सम इज एक्स प्लस एक्स इज 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल से सम क्या आएगा, 180 डिग्री. एंड एक्स प्लस एक्स इज 2x इज इक्वल टू 180. और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम 2 डिवाइड हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय 2. एंड यहाँ से कैंसिल आउट होगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, 290 का पे. सो एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो जो आपका एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल ऐसा एंगल है जिसका सप्लीमेंट्री एंगल इसी के इक्वल होगा. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स में कुछ नहीं है, आपको जस्ट फाइंड आउट करना है कि हमारे पास फिगर में क्या दे रखा है, एंगल 1 एंड एंगल 2 है. तो ये कहता है अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2. एंगल 2 में क्या चेंजेस आएंगे,
मेरा एक वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है ना, सेकंड वैल्यू उसे कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है जब सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज, बट ये एंगल वन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो एंगल टू में क्या चेंजेस आएंगे सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, एंगल टू विल इंक्रीज, एंगल टू इंक्रीज हो जाएगा ठीक है एज द मेजर ऑफ एंगल टू विल इंक्रीज विद द सेम मेजर, एंगल विल टू विल इंक्रीज विद द सेम मेजर एज एंगल वन इज डिक्रीज। जितनी मेजर से एंगल डिक्रीज हुआ है उतने ही एंगल से एंगल टू क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। एंगल वन जितना डिक्रीज हुआ है उतना ही एंगल टू आपका इंक्रीज हो जाएगा। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फाइंड आउट करना है क्या कि आपको नीचे दिए गए एंगल्स में पता करना है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, अगर दोनों एंगल्स कैसे हैं आपके एक्यूट एंगल्स हैं, दोनों एंगल कैसे हैं एक्यूट एंगल्स हैं तो क्या सप्लीमेंट्री हो सकते हैं वो, तो इस केस में आ जाएगा बेटा नो, एक्यूट में क्या आ जाएगा नो, दोनों एंगल एक्यूट नहीं हो सकते आप ठीक है। अगर इसी तरह अगर सेकेंड केस है ऑब्ट्यूज एंगल अगर हो जाए, ऑब्ट्यूज एंगल अगर दोनों हो जाए तो क्या पॉसिबल है इन दोनों का सम 180 ऑब्ट्यूज यानी कि 180 डिग्री से सॉरी 90 से ज़्यादा, अगर 90 डिग्री से ग्रेटर वैल्यू है तो उनका सम भी क्या आएगा 180 से ग्रेटर ही आएगा, तो 180 मिलना चाहिए ना, 180 तो मिलेगा नहीं हमें, सो दिस इज आल्सो नो नॉट पॉसिबल। अच्छा जी थर्ड में कहता है अगर राइट एंगल है दोनों, राइट एंगल कौन से होते हैं जिनका मेजर क्या हो 90 डिग्री, तो राइट एंगल में ऐसा पॉसिबल है यस, तो 90 राइट एंगल क्या हो जाता है 90, 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो इसमें हमारे पास यस आ जाएगा, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज आपके केस में नो आ जाएगा, राइट एंगल में आपकी पॉसिबिलिटी पॉसिबल क्या होता है राइट एंगल में दोनों का सम 180 आ जाएगा, सो दिस कैन बी पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन टुडेस क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है यू हैव टू एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, एक एंगल 45 डिग्री से ग्रेटर है आपको पता करना है इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा क्या वो ग्रेटर देन 45 होगा, इक्वल टू 45 होगा या फिर लेस देन 45। एक एंगल आपको क्या दे रखा है इफ एन एंगल इज ग्रेटर देन, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एक एंगल अगर 45 डिग्री से ग्रेटर है ठीक है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट पे क्या होगा बेटा वैल्यू, ये वैल्यू 45 डिग्री से ग्रेटर है ना तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा लेस देन 45, तभी उनका सम क्या बनेगा 90 डिग्री, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट, सो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी लेस देन will be less than 45, will be less than 45.